गाइस वेलकम टू आवर चैनल गेमिंग 007। और आज हम दोबारा से खेले वन ब्लॉक। और ये मेरा घर देख रहे हो, ये पिछले एपिसोड में नहीं बना था तो मैंने अब ये पेड़ भी बड़ा हो चुका है और अब स्टार्ट करते हैं माइनिंग करना। तो इधर से मतलब खाने की जरूरत तो पड़ती नहीं, क्योंकि यही जो ये वाली चिप होते हैं इनसे खा लेते हैं, मतलब खाना इनसे जूस मिल जाता है। इसका मशरूम स्ट्यू वो खा लेते हैं तो वही ठीक रहता है। और ये हमारी जगह तो इधर चेस्ट लगी थी, चेस्ट तो अभी तोड़ दी और अब दोबारा माइनिंग करते हैं, देखते क्या होता है। और एक और ये आ चुकी है मशरूम का। इस मशरूम का को अंदर डालने के लिए इधर बीट लगा दी थी मैंने बहुत पहले और बहुत देर बाद ही हुई है होगी। तो अब इसको तोड़ते रहते हैं और इसको अंदर डाल देते हैं। इसके अंदर क्या नाम है इसका, बाड़ा बना रखा है उसकी जमीन। और इसको मारूंगा तो अंदर घूमी है तो इधर ही लगे रहते हैं। या अभी स्टोन तो अंदर चलते हैं दोबारा इसको तोड़ने। तो रात तो हो रही है तो नीचे तो स्पॉन नहीं होगा कोई। ये एक और काव आ गई और इस काव को अभी डालेंगे इसको मरने दो। भाग गया तो ये भाग रही और ये गिर ना जाएगा। क्रीपर आ गया बाबू, इस बार क्रीपर को नहीं छोड़ेंगे। आदमी का हाँ आ गया आ गया आ गया आ गया। बंद कर देंगे गेट और ऊपर से कूद जाएंगे। इसको मारने के लिए एक और चीज चाहिए होगी, मतलब वो के लिए हमारे पास वही नहीं है। एरो वैरो अंदर होंगे शायद, नहीं होंगे। तो अब ऊपर से कूदने का तैयारी करते हैं। तो इधर से ही ब्लॉक लगाते हैं और ये भी पेड़ बड़ा हो चुका है। कैसे तो इधर से एक तोड़ देते हैं फैंस और इसी के ऊपर से कूद जाएंगे और चले जाएंगे उधर। और इसको फिर मारना भी तो पड़ेगा, तो मारने के लिए क्या करें, ये है कहाँ वैसे, यहीं कहीं होगा। तो ये है इधर, ये तो इसी से दोबारा हेल्थ बढ़ जाएगी। तो यही होता है कि सोर्स ऑफ फूड। एक और क्रीपर माइंड करने। वैसे मैंने पेड़ इसके आगे इसलिए लगाए थे क्योंकि बालकनी से देखते हैं इधर बाहर तो एकदम घास वास और एकदम चले जाए इधर। तो अब इसको तोड़ते हैं, देखते हैं इसके बाद फेज खत्म। हाँ फेज खत्म हो गया और ये अपग्रेड होने लगा, पता नहीं इस बार कौन से फेज पे पहुँचेंगे। और इधर बेडरॉक आ जाता है क्योंकि हम इसको तोड़ना पाए। और ये है प्लान ओवर एंड और देखते हैं ये अपग्रेड हो रहा है तो 8, 9, 7 तो ये अपग्रेड होने में भी टाइम दे रहा है। और उससे पहले इधर है एक ये शिप, नहीं इसका नाम। और इसके बाद क्या है
फेज 3 स्नो बायोम आई है, तो ये स्नो वाली ग्रास एकदम। ये भी आया क्या, आईसी हैंड। अच्छा इसको भी ऊपर ले चलते हैं, और पेड़ भी बड़े हो रहे हैं तो इसको ले चलते हैं इधर से अंदर, तो ऊपर चलते हैं। ये देखो ये वाले आ रहे हैं डर्ट एक अलग तरह के, और स्नो भी आ रही है बहुत सारी, तो स्नो गोलम भी बना पाएंगे। और वैसे उस वाले माइनक्राफ्ट की सीरीज में उसमें भी आज गोलम बना दिया अभी। देखें एक आइस गोलम अपनी सुरक्षा के लिए, कि इधर कोई आए तो बचा ले वो हमें। तो देखते हैं बना के एक आइस गोलम। और ये देखो सुनो कितनी सारी मिली, और सुनो वैसे हम इकट्ठी भी कर सकते हैं इधर से, क्योंकि हम एक आइस गोलम बना देंगे तो वो बार बार वो घूमता रहेगा तो उसी से मिल जाएगा। तो एक बना लेते हैं पम्पकिन से, बना लेते हैं एक आइस गोलम। तो आइस गोलम बनाते हैं, तो उससे पहले हमें चाहिए एक फर्नेस, तो फर्नेस के लिए जल्दी से बनाते हैं सामान। और कोल भी चाहिए होगा तो फर्नेस बनाते हैं जल्दी से। और ये एक क्या बोस्टर इसलिए बना रहे थे क्योंकि हमें बोन मिल चाहिए थी उसको बड़ा करने के लिए पेड़ मतलब धान को। तो वैसे इससे जितनी भी बार मिली सब बार नीचे गिर गई, तो इसी से नहीं हुआ था। और ये आयरन पिघलाने रखते हैं और दोबारा माइनिंग करते हैं, जैसे पिघल जाएंगे तो उसके बाद करते हैं दोबारा माइनिंग स्टार्ट, मतलब माइनिंग स्टार्ट नहीं करते हैं। और इधर तो यही वाले आ रहे हैं, देखते हैं इस बार कौन सा हमारे पास वो आएगा, क्या नाम होता है उसका प्राणी, मॉब, मॉब कौन सा आएगा। तो इसको तोड़ते हैं। और इस बार आया है हमारे पास कुत्ता, तो कुत्ता तो बहुत अच्छी चीज है, ये तो बचाएगा वैसे भी बहुत अच्छे से। तो इसको क्या बोलते हैं हड्डी खिला के टेम करते हैं। तो हड्डी नहीं हमारे पास, क्या हड्डी 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 ऊपर है हड्डी, तो जल्दी से लेके आते हैं और इसको खिलाते हैं। और हमारा फर्स्ट पैट हो जाएगा ये वाला, तो वैसे पैड तो और भी हैं लेकिन जो वफादार होगा तो सारी लेके उधर ही रख देंगे कि और भी आए तो उनको भी खिला सकें। तो इधर से इसको खिलाते हैं हड्डियाँ, तो किधर गया वो नीचे चला गया, इन सबको पता नहीं बैकग्राउंड नहीं ग्राउंड फ्लोर ही इतना अच्छा लग रहा था। इसको खिलाते हैं, एक तो तीन में पल गया और इसको हो गया पैट हमारा। तो इसको भी ऊपर रखते हैं और सुरक्षा के लिए भी काम आएगा और वो भी काम आएगा आइस गोलम। तो इधर आयरन पिघल के हैं तो दो उठाते हैं और अंदर रखते हैं इस आयरन को और बनाते हैं आइस गोलम। और ये चार बने हैं, इससे तो दो की ज़रूरत होती है, तो इधर ही लगा देते हैं। और किधर गया वो पम्पकिन चाहिए ना, हाँ पम्पकिन को ले लो और इसके ऊपर ऐसे लगाओ और बन जाएगा फिर आयरन गोलम, आयरन नहीं आइस गोलम। तो ये बन गया हमारा आइस गोलम, ये रहा। तो इसके ऊपर से मास्क कटाए यानी जैसे मास्क कटाई देते हैं, और देखो पता नहीं कैसा बन गया ये। तो अब ये हो गया इधर से भी, और इससे मिली नहीं हमें वो पम्पकिन, तो बता ली नीचे गिर गई हो, तो ये भी अब काम आएगा। इसके हड्डियाँ निकली हुई इतना अच्छा लग रहा है ये, तो इसको अंदर रखते हैं। और ये आ चुकी है एक सफ़ेद कलर की वो फॉक्स, तो इसको हम पाल सकते, तो इसको एक खड़े रहते हैं। और इसके मुंह में है म्यूजिक डिस्क, और इसके हमारे पास बैरी है, बैरी हमारे पास शायद थी, हमारे पास बैरी मिली थी। तो देखते हैं ऊपर हमने खाते ही नहीं मिली, देखते हैं ऊपर है बैरीज, तो बैरीज नहीं है। तो अब इधर चलते हैं, और वैसे ये फॉक्स के दुश्मन रहते हैं इसके फॉक्स के, लेकिन बस चली जाएंगी वो, ये नीचे चलो नीचे घूमने देते हैं। वैसे बोर्ड है जो मर्जी बोल लो, फैंस लगे हुए हैं साइड साइड से। तो अब इधर से तोड़ते हैं, और ये बार बार कहाँ से जा रहा है, तो इधर साइड नीचे गिर क्या गिर पता नहीं, ये देखते हैं बाद में। तो इसको खोद लेते हैं, मैं जानता हूँ बोलिए और क्या है, तीन चार बार बोलिए और कैसा बताओ, फिर इसे पार करना।
तो ग्रीन ग्रास हमें इसलिए चाहिए थी क्योंकि इधर इधर इस जगह पे ग्रास आ जाती है।